हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन दम बिरयानी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में लें 500 ग्राम मटन। अब इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन 12 से 14, अदरक 3 इंचेस, सौंफ आधा छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, लौंग 6 से 7, और इन्हें अच्छे से पीस लें। अब डालें 2 बड़ा चम्मच फ्राइड ऑनियन, 3 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ पुदीना, 4 हरी मिर्च, 3 छोटा चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, आधा नींबू का रस, 4 छोटा चम्मच गाढ़ा दही, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच बिरयानी पाउडर। इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है इलायची 6, चक्रफूल 1, तेजपत्ता 1, दालचीनी 1 इंच, और इन्हें अच्छे से पीस लें। अब डालें 1 छोटा चम्मच घी और अच्छे से मिला लें। अब इसे कवर करके 30 से 60 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। आइए अब चावल पका लेते हैं। इसके लिए लें 3 कप पानी, थोड़ा नमक। हमने पहले ही मटन को मैरिनेट करते वक्त नमक ऐड कर लिया है, उसके हिसाब से यहाँ ऐड करें। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, और अच्छे से मिला लें। इसे 10 मिनट के लिए उबाल लें। अब डालें धोया हुआ 2 कप बासमती चावल और चावल के 80% पकने तक पका लें। कुकर को 1 छोटा चम्मच घी से ग्रीस कर लें। मैरिनेट किए गए मिश्रण को फ्रिज से निकाल के इसके रूम टेम्परेचर पर आने तक बाहर रख लें। अब कुकर में डालें मैरिनेट किया हुआ मिश्रण और इसे फैला लें। अब इसके ऊपर डालें पकाया हुआ चावल और हिलाते हुए फैलाते रहें। इसमें डालें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 बड़ा चम्मच फ्राइड ऑनियन, 3 छोटा चम्मच घी, और इसे अल्मीनियम फॉइल के 3 लेयर से कवर कर लें। आप इसे एक ढक्कन से कवर करके इनके किनारों को गेहूं के आटे या मैदा से भी बंद कर सकते हैं। ये एयरटाइट होना चाहिए। अब इसे 15 मिनट के लिए मध्यम फ्लेम में और 40 से 45 मिनटों के लिए कम फ्लेम में पका लें। अगर आप पतला पैन यूज कर रहे हैं तो इसे एक तवे के ऊपर रख के पका लें। पकने के बाद 10 मिनट के लिए रख लें और फिर ध्यान से एक एक करके अल्मीनियम फॉइल को निकाल लें, धीरे से मिला लें। मटन दम बिरयानी तैयार है। रायता और बैंगन दालचे के साथ सर्व करें। दही में मैरिनेट करने के कारण मटन और नरम हो जाता है, इसलिए और अच्छे रिजल्ट के लिए इसे रात भर मैरिनेट कर लें। अब बासमती चावल को जल्दी पकने के लिए 30 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं। दम बिरयानी बनाने के लिए हमेशा ताज़ा मटन यूज करें। पैन को अच्छे से ढक लें ताकि भाप बाहर ना निकले, नहीं तो चावल ड्राई हो जाएगा और दम बिरयानी के पकने का टाइम इस क्राइटेरिया पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।